कांग्रेस पार्टी के हमारे सब मित्र, प्रेस के हमारे मित्र, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। जय भीम। आपने प्यार से, आपने प्यार से ये झंडा बनाया, मेहनत की, अपना पसीना दिया। कितने फुट लंबा है ये? 125 फुट लंबा, 83 फुट चौड़ा। वजन क्या है इसका? 240 किलो वजन। और आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे हिंदुस्तान का झंडा नहीं लिया। ये आपका, ये सिर्फ आपका झंडा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का झंडा है। उन्होंने कहा, झंडे को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। अगर आप मुझे 2 किलोमीटर लंबा झंडा, 2000 किलो का झंडा, छोड़ो 15 किलोमीटर लंबा झंडा, 50,000 किलो का झंडा अगर आप मुझे देते और मेरे पास 1 इंच जगह होती, तब भी मैं उसको ले लेता। क्योंकि झंडे के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है और आपके दिल में भी इस झंडे के लिए जगह है। ये एक सोच है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों की, प्रधानमंत्री की एक सोच है। झंडे के लिए जगह नहीं है, आपके खून पसीने के लिए जगह नहीं है। उनके ऑफिस में एक कोने में इस झंडे के लिए जगह नहीं है, मगर गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों के लिए पूरी गुजरात की जगह है उनके पास। ये 5-10 लोग गुजरात में जो भी चाहते हैं, जितनी भी जगह चाहते हैं, गुजरात छोड़ो हिंदुस्तान में जितनी भी जगह चाहते हैं, रूपानी जी और मोदी जी के लिए दिल में उनके लिए जगह है, मगर हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए जगह नहीं है। और 22 साल इन्होंने ये काम किया है। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, मनरेगा को चलाने के लिए, मनरेगा को चलाने के लिए यूपीए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए लगाए थे। 35,000 करोड़ रुपए से पूरे देश में मनरेगा एक साल के लिए चलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, लाखों परिवारों की जिंदगी बदली, उसमें से बहुत सारे परिवार दलितों के परिवार थे। जितना पैसा यूपीए सरकार ने मनरेगा को चलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में डाला, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने यहां पास में टाटा नैनो फैक्ट्री को चलाने में डाला। 35,000 करोड़ रुपए
टाटा नैनो की फैक्ट्री को दिया गया। हजारों एकड़ जमीन आपकी, टाटा की नहीं, मोदी जी की नहीं, गुजरात की जनता की जमीन, किसानों की जमीन टाटा नैनो फैक्ट्री को दी गई। नर्मदा का पानी टाटा नैनो फैक्ट्री को दिया गया। किसानों से छीनकर बिजली नैनो फैक्ट्री को दी गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप गुजरात में घूमते हो, सड़कों पे चलते हो, आपने इन सड़कों पे नैनो गाड़ी कभी देखी है? 3-4 महीने बाद मैंने कल दिल्ली में एक नैनो गाड़ी देखी। मैं ढूंढता रहता हूं, भैया मोदी जी के नैनो कहां है, मोदी जी के नैनो कहां है ये नैनो, कहां है ये नैनो, नहीं दिखाई देती। और एक उद्योगपति को नहीं, किसी को सब पॉट्स पकड़ा दिए, किसी को 33,000 करोड़ रुपए, किसी और को हजारों करोड़ रुपए। आप लिस्ट ले लीजिए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपति, उनके लिए बहुत सारी जगह है इनके पास। ~90% कॉलेज और यूनिवर्सिटी गुजरात में इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। आपके बच्चों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जेब में से लाखों रुपए निकालो पहले। किसी बड़े उद्योगपति के कॉलेज में जाओ, मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पहले जेब में से 5-10 लाख रुपए दे, बच्चे इंजीनियर बने, और उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिलता है। 50 लाख बेरोजगार युवा गुजरात में हैं। ₹33,000 करोड़ रुपए बहुत पैसा होता है, गुजरात को आप चमकता नया हायर एजुकेशन सिस्टम 33,000 करोड़ रुपए से दे सकते हो। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी लग सकती हैं, मगर नहीं, जगह नहीं है हमारे पास, जगह सिर्फ इन 5 लोगों के लिए है। आप बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, एक्सरे की जरूरत होती है, MRI की जरूरत होती है, हजारों रुपए दो। ऑपरेशन कराना है तो लाखों रुपए दो। किसको जाता है? वही 10-15 उद्योगपतियों को। और जो यहां पहले 22 साल गुजरात में किया, अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है, गरीबों का होता है, कमजोरों का होता है। बड़े बड़े भाषण होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात में पिछले 22 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, रूपानी जी ने दलितों के लिए क्या किया, मुझे बता दो बस। एक काम आपने सब प्लान की बात की, एक काम बता दो कि भैया हां हमारा ये काम किया है। एक तरफ उमाकांत, दूसरी तरफ रोहित बेम्युला, कैसे हिम्मत की, कैसे हिम्मत की रोहित बेम्युला ने कि शिक्षा कॉलेज में चला गया? नहीं, चिट्ठी आती है मिनिस्टर के यहां से, चिट्ठी आती है और उसको कुचल देते हैं। मैंने वहां बोला, हैदराबाद में बोला, रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की थी, रोहित वेमुला की हत्या हिंदुस्तान की सरकार ने की थी।
अच्छा, आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी कहां थी। मैं हैदराबाद में था और जब उना कांड हुआ मैं यहां भी आया था और मैं आपके साथ खड़ा हुआ था। गुजरात में बदलाव आ रहा है और उसको अब चाहे मोदी जी चाहें, रूपानी जी चाहें, अमित शाह चाहें, जय शाह ज्यादा खा गया, उसका नाम सुना आपने? अच्छा, दूसरा डायलॉग सुना होगा आपने मोदी जी का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो सुना आपने। नोटबंदी की पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया, एक गरीब व्यक्ति नहीं छूटा, सबके सब लाइन में कर दिए। आप भी लगे थे लाइन में? मैं भी लाइन में लगा था, तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस लाइन में आपने कोई सूट बूट वाले को देखा? आपको मालूम है वो कहां थे? बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर बैठे हुए थे एसी में। हिंदुस्तान के सब चोरों का काला धन नरेंद्र मोदी जी ने सफेद करा दिया। नोटबंदी का यह मतलब है। उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं, हमने उनसे कहा जीएसटी से नुकसान होगा, 18% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, 5-7 अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, 3-3 फॉर्म नहीं भरने चाहिए। कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को करूंगा, नोटबंदी भी 12 बजे रात को करूंगा और जीएसटी भी 12 बजे रात को करूंगा। जीएसटी लागू कर दी, लाखों लोग बेरोजगार हुए, लाखों बिजनेस बंद हुए। आंधी से आई, तूफान आया, आग लगी, और जैसे पिक्चर में कभी आंधी में से कुछ निकलता है ना, वैसे आंधी में से एक कंपनी निकलती है चमकती हुई। भैया, एक ही हिंदुस्तान में बिजनेसमैन है जो बिजनेस करना जानता है, अमित शाह का बेटा जय शाह, और किसी को नहीं मालूम। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ रुपए बना दिया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब डायलॉग बदल दिया है, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। मोदी जी, गुजरात की जनता समझना चाहती है, लाखों बिजनेसमैन है गुजरात में, बहुत अच्छा बिजनेस चलाना जानते हैं, मगर जय शाह जैसा बिजनेसमैन गुजरात में नहीं है। और गुजरात समझना चाहती है कि 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में कैसे बदला जाता है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पूरा गुजरात जानता है कि बिना बेईमानी, बिना चोरी किए यह काम नहीं किया जा सकता है। और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने देश को कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चाहे वो जय शाह हो, चाहे वो राफेल डील हो, पार्लियामेंट बंद कर रखा है। हर साल पार्लियामेंट नवंबर में खुलता है, इस साल नवंबर नहीं खुलेगा, आप देख लेना, चुनाव से पहले पार्लियामेंट नहीं खुलने वाला गुजरात के, बना चुनाव से पहले। पता है क्यों?
क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि गुजरात के चुनाव से पहले पार्लियामेंट हाउस में जय शाह के बारे में और राफेल डील के बारे में चर्चा हो। हर रोज बयान आते हैं पार्लियामेंट में, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अरे खोलिए तो पार्लियामेंट हाउस को। मैं भी दो तीन बातें रखना चाहता हूं वहां पे, राफेल के बारे में, जय शाह जी के बारे में, ढोकलाम के बारे में। तो सच्चाई अलग है। वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। सवाल है किसके लिए वाइब्रेंट? आपके लिए वाइब्रेंट, गुजरात के किसानों के लिए वाइब्रेंट, आदिवासियों के लिए वाइब्रेंट, गरीबों के लिए वाइब्रेंट, या मोदी जी के 5-7 मित्रों के लिए वाइब्रेंट? सवाल यह है। यह प्रदेश पूरी दुनिया में जाना जाता है। अंग्रेजों को आपने हराया, आपके जहां भी बिजनेसमैन जाते हैं, जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान का नाम मशहूर करते हैं। और अगर गुजरात में कुछ है, कुछ शक्ति है, तो वो शक्ति आप में है, गुजरात की जनता में है, गुजरात के लोगों में है, गुजरात के इतिहास में है। और 22 साल से आपकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। और मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि गुजरात में जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हर गुजराती की शक्ति का प्रयोग होगा, हर गुजराती की रक्षा होगी। गुजरात में कोई नहीं डरेगा और सबको लेकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो कि मेरे दिल में दलितों के लिए बहुत जगह है। आप इस बात को जानते हो, मुझे शायद बोलने की भी जरूरत नहीं, और ये पूरा देश जानता है, समझता है। जो सच्चाई होती है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो आपने अनटचेबिलिटी की बात की है, वो सिर्फ एक गांव से नहीं, वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग से मिटाना हमारा काम है। और यही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और यही अंबेडकर जी का लक्ष्य है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। मित्रों, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म, अब समय आया है पूरे मान सम्मान के साथ अपमानित राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ उसकी यात्रा निकलेगी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को मार्टिन भाई, पूरे दलित समाज की ओर से ये राष्ट्रध्वज उनको देंगे। पूरे सम्मान के साथ हम सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे और पूरे मान सम्मान और गरिमा के साथ इस राष्ट्रध्वज का अभिवादन करेंगे।
कार्यक्रम समाप्त नहीं होता। ये जो तिरंगे की रैली निकलेगी उसी यात्रा में नानी देवती से लेकर सानन तक सभी लोग इस राष्ट्रध्वज को सलामी देने के लिए रोड पर खड़े हैं, जो इसके इंतजार में है। अब इस राष्ट्रध्वज को पूरे मान सम्मान के साथ विदाई किया जाए।